नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस ने मांग कर दी है कि एक शहर का नाम अब उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम पर होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये खबर सच है और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी मांग की है और कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर इस शहर का नाम रखा जाना चाहिए और ये शहर है गाजियाबाद। जी हाँ, उन्होंने सुझाव दिया है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर आदित्य नगर किया जाना चाहिए। दरअसल अभी हाल फिलहाल में गाजियाबाद के नाम को बदलने को लेकर खूब चर्चा हो रही है और तमाम तरीके के नाम सुझाए जा रहे हैं। नगर निगम में प्रस्ताव भी नाम बदलने का पास कर दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर आदित्य नगर किया जाना चाहिए। आपको जानकारी देते चलें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। इसको लेकर काफी समय से कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन लगातार मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसको लेकर गाजियाबाद नगर निगम ने मंगलवार को ही बोर्ड बैठक में प्रस्ताव भी पास कर दिया। बहुमत के आधार पर नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ। गाजियाबाद की मेयर ने एक लाइन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेज दिया, जिसमें मांग की गई कि गाजियाबाद का नाम बदला जाना चाहिए। इसको लेकर अब कांग्रेसी नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा है कि गाजियाबाद का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर आदित्य नगर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी जिले का नाम आदित्य नगर नहीं है। आपको जानकारी देते चलें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं और कांग्रेस नेता हैं, धर्मगुरु हैं। ऐसे में उन्होंने गाजियाबाद का नाम बदलने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि नाम बदलने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन नाम क्या रखा जाएगा इसको लेकर बहुत सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि गाजियाबाद बड़ा पॉपुलर शहर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि नाम बदला जाए, तो फिर इसका नाम जब रखा जाए तब हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी मांग करता हूं कि अगर गाजियाबाद का नाम बदलना है तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर रखा जाए और इसका नाम आदित्य नगर होना चाहिए। वहीं जब इससे पहले नगर निगम की बैठक हुई और प्रस्ताव पास हुआ नाम बदलने को लेकर, तो तीन नामों को लेकर खूब चर्चा हुई। सबसे पहले कहा गया कि गाजियाबाद का नया नाम हर नंदी नगर होना चाहिए। इसके अलावा गजप्रस्थ को लेकर भी चर्चाएं हुई, साथ ही दूधेश्वर नाथ नगर भी नाम रखने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को ये प्रस्ताव भेज दिया गया है और अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ फैसला लेते हैं। बहरहाल जिस तरीके से कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि गाजियाबाद बड़ा पॉपुलर शहर है और अगर इसका नाम बदलना है तो फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम पर रखा जाना चाहिए और गाजियाबाद को नया नाम आदित्य नगर देना चाहिए। ऐसे में कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही आप गाजियाबाद का नया नाम क्या चाहते हैं, नाम का सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।